एरे फार्मूला एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी फार्मूला एक ही सेल पे वर्क करता है, मतलब उसका रिजल्ट एक सेल पे होता है, इसका मल्टीपल सेल पे भी हो सकता है। एक ही फार्मूला मल्टीपल सेल पे चलेगा। अगर हम ये कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे रैंड बिटवीन ही लगाता हूँ मैं, तो ये एक फार्मूला है जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जितने मेरे कितने फार्मूला हुए मेरे, ये यहाँ पे 12 फार्मूला एंटर्ड है। पर जब एरे फार्मूला दिखाता है तो एक ही फार्मूला 12 पे लगा होता है, ठीक है। तो एरे को पहले समझते हैं, एरे है क्या चीज़। हमें इसके लिए अंदर की रेंज के और अंदर जाना होगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी सेल रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एक वैल्यू से होता है। जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया तो 44 आ गई, F9 से कैलकुलेट होता है, ठीक है। जब मैं इक्वल टू करके कोई रेंज सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें तो पूरी आ नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, ये होता है, ठीक है। ये रेंज इस तरह से आपकी चलती है। तो अब जैसे मुझे दो सेल में लिखना है, 1 2 3 4, यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 लिखना है इसमें। तो मैं पहले सारी 4 सेल सिलेक्ट करूँगा, इक्वल टू लगाऊँगा, कर्ली ब्रेसिस, फिर इसके बाद मैं लगाऊँगा 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद इस फार्मूला का एंटर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वल टू से पहले ये सेमी कॉलन आ जाता है। तो एक फार्मूला है ये जो सब पे चलता है, इसको मैं बीच में से डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, सिलेक्शन जो करता है वो, उसके आपके पास है करंट एरे, ठीक है। तो वो बताएगा कितना एरे लगा हुआ है, एरे फार्मूला, ठीक है। तो कॉलम के लिए इसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। पर जब हमें रो में भी करना हो तो हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसिस, 1, 2। तो ये कॉलम में स्प्लिट होगा, सेमी कॉलन रो में करने के लिए, 3, 4। मतलब कॉमा से वो, सेमी कॉलन से वो टूट गया नेक्स्ट सेल में, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। जहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आता है वहाँ क्या करता है, ये एने दे देता है, ठीक है। रेंज का समझ आ गया कैसे होता है। अब किसी भी रेंज को देखोगे, इसको देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ F9, तो ये इस तरह से आता है, कॉमा कॉमा आ रहा है ना। अगर यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ ले लेता हूँ, F9, वही 44, 44, सेमी कॉलन से टूटा, 24, 44, ठीक है। इस तरह ये रो कॉलम में चलता है, ठीक है। तो एरे फार्मूला का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब जैसे ये है, मुझे इस सब की लेंथ निकालनी है, सारे फार्मूला की, मतलब कितनी लेंथ है। लेन का फॉर्मूला मैंने लगाया, 2 की लेंथ है पूरे में, फिर इसका सम किया तो मुझे टोटल लेंथ पता पड़ रही है, ठीक है। तो ये लेन का फॉर्मूला जो मल्टीपल रिजल्ट दे रहा है, ये मैं एक फॉर्मूला से जनरेट करा सकता हूँ। फर्क कितना है, इसमें सेल ले रहा है एक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेंज दे दूँगा, ये देखो सम, हाँ देखो, लेन ये एक ले रहा है, वैसे तो ये पहली वाली रिटर्न कर देगा, कई फॉर्मूला एरे भी देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से क्या होगा, अब ये किस में दे रहा होगा, ऐसे दे रहा होगा, F2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सबकी ये लेंथ दे रहा है, एक ही फॉर्मूला है। पर अब मुझे ये मल्टीपल लेंथ एक फार्मूला में चाहिए, तो मुझे एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके, ठीक
जो रेंज को हैंडल करता हूँ, ऐसा कौन सा फार्मूला है, सम, जिसमें हम पूरी इस तरह से रेंज दे देते हैं, है ना। तो वहाँ अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूँ तो यही रिजल्ट आएगा। हेलो, हाँ जी, नहीं मैं आता हूँ 1 बजे के करीब। जैसे कि आपने दोनों फॉर्मूला में, जैसे पहले एक नॉर्मल फॉर्मूला चलते थे और एरे के अंदर, इसमें जैसे डिफरेंस तो आपने बता दिया कि सेमी कॉलम और कॉलम में क्या डिफरेंस है, लेकिन जैसे अभी आपने फॉर्मूला लगाया लाइन का, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला की तरह वर्क किया इसने, जैसे लास्ट टाइम मतलब नॉर्मल अब लगाया ये है। देखो, इसके लिए, इस रिजल्ट को पाने के लिए मुझे एक कॉलम में पूरा डालना पड़ा था, ठीक है, पर ये एक ही फार्मूला के अंदर आपको दे देगा। एरे ने रेंज बना दी इसकी, और सम ने उस रेंज को कैच करके सम कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगर इसके कैलकुलेशन में देखोगे फार्मूला में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इवैल्यूएट फार्मूला, लेंथ ने क्या किया, सबकी वो बना दी रेंज, और सब ने इस रेंज को हैंडल कर लिया। ठीक है। समझ गए बैकग्राउंड में और क्या इक्वल हुआ? टू आगे वो क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्टिंग वो अपने आप लग जाता है, अपने आप जैसे लग जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ही ये सारे फॉर्मूले चलते हैं। एरे का कंट्रोल शिफ्ट एंटर से चलेगा, और हाँ, नॉर्मल एंटर करोगे तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो एक और फार्मूला होता है, जैसे एबीएस का बताया था मैंने, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, तो सबका प्लस में मुझे दिखाता है जैसे। प्लस में आना चाहिए, है ना। तो इसकी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एबीएस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एबीएस का फार्मूला लगाया, नीचे सम किया, ठीक है, तो इसी तरह से इसमें लेंथ की जगह मैं एबीएस दे दूंगा, क्योंकि एबीएस भी सिंगल रेंज हैंडल कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ठीक है, आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में ही दिखाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई ये वैल्यू जो आ रही है फार्मूला से आ रही है, अब आपको सम करना है, तब ये इनको सही कर देता हूँ। जैसे रेट क्वांटिटी है, रेट क्वांटिटी, और यहाँ निकलेगा अमाउंट, ठीक है। ये अब मुझे ग्रैंड टोटल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तब आएगा मेरे पास। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अब मैं मान लो ये कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, अब सिंगल सिंगल से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें क्या करना है, मल्टीपल को मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेंज सम के अंदर ही और ये रेंज। सेमी कॉलन लगाया ना फिर, सेमी कॉलन नहीं, स्टार लगाया मल्टीप्लाई के सॉरी, लिए, हाँ ठीक है, जैसे उसमें वैसे हो हाँ रही थी ठीक है ना, ठीक तो है। क्योंकि ये भी जब एरे चलेगा तो ये भी रेंज दे देगा, ठीक है। सेम आया, इवेल्यूएट फार्मूला करके देखते हैं क्या आया, तो इसने ये वाली रेंज जनरेट कर दी जो आपकी यहाँ पे है, देख रहे हो, उसने सम कर दिया, ठीक है। हमारे पास वैसे पहले से एक फार्मूला है इसी तरह का काम करने के लिए, सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में डायरेक्ट एरे ले लेता है ये ठीक है, कॉमा, ये आपस में मल्टीप्लाई करके भी सेम रिजल्ट देगा, एक तरह का एरे ही फार्मूला है जो इन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे डिवाइड करके कई वैल्यू आ रही है, मान लो यहाँ पे ये ना होता, मैं इसको डिवाइड करता इससे, ठीक है। तो आपको पता है जब डिवाइड बाय ज़ीरो होता है तो एरर आ जाती है, इसमें आपका कोई भी फॉर्मूला चलता नहीं है, नहीं चलता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
इफ एरर, अगर यहाँ है तो जीरो दे दे, है ना, ये फॉर्मूला लगा के तब सम निकालना पड़ेगा, तभी चलेगा, अदरवाइज तो एरर दे देगा नीचे, है ना। तो यही वाला हम लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं कि सम के अंदर हम लगा देंगे इफ एरर, इफ एरर में फुल रेंज दे देंगे, फुल रेंज डिवाइडेड बाय दिस रेंज, और एरर है तो ज़ीरो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया सेम। इसका कोई फार्मूला है ही नहीं, तो मतलब इसमें ऐसे फार्मूला बनाए जा सकते हैं जो कि है ही नहीं इसी एरे कॉन्सेप्ट से। दो फार्मूला को मतलब इंडिविजुअल बनाने का काम करता है ये, दो फार्मूला को नहीं, मतलब जो फार्मूला आपका लेंथ में लगा हुआ है ना, बहुत सारे मल्टीपल, उसको एक में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी से एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, जो चीज़ है ही नहीं उसको बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, मुझे ये निकालना है कि सबसे बड़ा नाम आ जाए, तो लेंथ वाला आपको पता ही है, उसकी जगह मैं मैक्स लगा दूंगा, तो फुल लेंथ निकाल के इनकी मैक्स लेंथ गेट करूंगा, ठीक है ना। इसके लिए प्रोसीजर क्या लगेगा कि मैक्सिमम लेंथ वाला मुझे वो चाहिए, तो इसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर क्या करूंगा, मैं सबकी लेंथ चेक करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्स का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि मैक्सिमम मुझे बताएगा, ठीक है, मैक्सिमम बताया इसने। अब मुझे क्या करना है कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू है, इसकी पोजीशन कैसे गेट होगी, इंडेक्स मैच का यूज़ करूँगा, इंडेक्स में मुझे मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पहले तो रिजल्ट वाला इससे आएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है, मैच से मेरे को वो नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम वाला ये है 8 है, है ना, इसको लुकअप करूँगा किस रेंज में, मैं इसके अंदर, ठीक है, ज़ीरो ब्रैकेट को, तो इसने मुझे वैल्यू निकाल के दी। अब इसको बनाते हैं, इसमें कोई भी होगा मैक्सिमम जो होगा वो आ जाएगा, है ना। अब इसमें ये मेरा कंज्यूम हो रहा है, मुझे चाहिए एक ही सेल में ही सब कुछ हो जाए, तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया था, जो मैच के अंदर निकल रहा था मेरा ये, ठीक है, तो एक फार्मूला मेरा ये होगा कि लेंथ वाला, देखो इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंडेक्स में तो मैं रिजल्ट वाला ही दूंगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैच में मैं क्या दूंगा, लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी, मैक्स लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि इसकी लेंथ निकालेगा, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ढूंढना किस में, खाली लेंथ वाली रेंज में, है ना, ठीक है, जीरो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया एक सेल में फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है ना लॉजिक क्या क्या लगा हुआ है इसमें, हाँ ये क्योंकि सब फार्मूला में सबसे टफ फार्मूला यही है, क्योंकि यहाँ आप अपनी तरफ से बनाते हो, है ना। तो ये होता है, अब इसमें कोई भी लंबा नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये न्यूमेरिकल में क्यों लगता है ये चीज, अगर हमें कोई फिगर निकालनी है कुछ भी, तो हमें क्या यही कांसेप्ट देना होगा, हाँ वो तो इंडेक्स में आ गया ये वाला। अभी तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, सम इफ का ही दिखाता हूँ, सम इफ में एक फार्मूला जो लगभग इम्पॉसिबल है वो कैसे बनेगा, नेम सेल्स,
अगर मैं कहूँ कि संदीप की सेल बताओ तो समीप का फॉर्मूला कैसे लगता है? समीप रेंज क्राइटेरिया ये हो गया और सम रेंज, ठीक है, आ गई 133। मैं कह रहा हूँ प्रदीप की भी साथ में बताओ ये कैसे होगा। अब या तो इसके लिए मुझे इसके साथ प्लस में एक और समीफ लगाना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ कि एक ही समीफ से काम हो जाए, एक ही समीफ दो रिजल्ट निकाल के दे, क्योंकि क्राइटेरिया सिंगल ही लेता है, यहाँ मैं दूंगा डबल। ये देखो इसको मैं रेंज दे देता हूँ, इसको E6 कॉलोनी 7 ये दे दिया, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट और क्या एंटर, लगा, सेमी कॉलन या वो कॉलन? कॉलन से रेंज डिफाइन होती है ठीक ना, है, जिससे ये दोनों पकड़ लिया अब इसने। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, हाँ अभी नहीं आएगा क्योंकि ये दो जगह जनरेट करता है। कैच करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, सम, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। एक बार दोबारा बताओ, एक समीफ क्या था कि या तो, बार आपने समीफ लगा के आपने सिंगल संदीप की सेल निकाल दी, हाँ अब सा, आपने नीचे एक और ऐड कर दिया हाँ कैंडिडेट। ठीक है समीफ में देखो क्या था, जहाँ रेंज तो पकड़ ही रहा है, ठीक है जहाँ ठीक रेंज है। है पर क्राइटेरिया एक ही सेल से उठा क्राइटेरिया एक ही सकता लिया है ना, आपने, हाँ जी। है ना ये, ठीक है और इसकी कितनी थी, 100 थी। तो इन दोनों का टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना था, समीफ को दो बार लगाना था, फिर समीफ में सम करना था उसका। तो मैंने वही चीज़ की, सम के अंदर समीफ और क्राइटेरिया दे दिया, कि क्राइटेरिया क्राइटेरिया दोनों में दे जहाँ दिया आपने, सिंगल ठीक सेल है। था अच्छा वहाँ मैंने डबल ट्रिपल चौपल कितने भी दे सकता हूँ। अच्छा वो सिलेक्ट कर, टोटल सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना वो तो हाँ उसके अंदर। एक ठीक साथ है निकाल देगा उनको, है ना। YTD देखते हैं, YTD वाला ईयर टू डेट लगाने का फॉर्मूला। अब जैसे ये सेल थी डेट, एक जनवरी 14 से 6 है। अब मुझे निकालना है ईयर टू डेट, ईयर टू डेट निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा लॉजिक है ना। देखो दो लॉजिक है, एक तो एंड का फॉर्मूला, पर ये एंड का फॉर्मूला इसमें चलेगा नहीं वैसे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ये चेक करूँगा कि इफ क्या ये ग्रेटर देन है एक जनवरी 2015 से, डेट में डाल देता हूँ क्योंकि वैसे नहीं दे सकता, या तो नंबर दूंगा या तो यहीं से दूंगा डेट के फॉर्मूला से डेट। तो 2015 मंथ मंथ, वैसे मैं टुडे में मंथ भी एक ही रहेगा, टुडे और 1 जनवरी, ठीक है। क्या ये इससे बड़ा है, अगर है तो एक और कंडीशन चेक करें, अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर है तो एक और कंडीशन चेक करें कि क्या A3 छोटा है या बराबर है टुडे के, ठीक है। ठीक है इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल, ठीक है। तो अगर है तो इसमें ये वैल्यू आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ठीक है तो ये निकाल देगा मेरा जहाँ पे वैल्यू होगी, ईयर टू डेट के अंदर यही वैल्यू आ रही है, फिर इसका सम कर देंगे। अच्छा। ठीक है, अब एक जैसे कि आपने तीन कंडीशन सौ दे, आप इकतीस एक कंडीशन इसके अंदर दे दी, मैं कहता हूँ इसी को कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर कन्वर्ट करना हो, जिसमें हाँ आपने फॉर्मूला लगा के तो बताया था कि कलर चेंज हो जाते हैं, अगर हम ये बता दें कि इस वैल्यू से अगर हाँ ये बड़ा है तो हाँ इस कलर में हो जाए, तो फॉर्मूला के अंदर हो सकता है वो डायरेक्ट अगर हम दे दूँ, कलर चेंज हो जाए, तो फॉर्मूला के अंदर ही।
फॉर्मूला में कलर कैसे चेंज होगा? ये फॉर्मूला में मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म वगैरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू वहीं पे ही न्यू फॉर्मूला जो भी है वो पेस्ट करना होगा। हाँ वहीं से ही हैंडल होगा और कोई तरीका नहीं है। तो ये मैंने जो फार्मूला लगाया इसमें इफ का कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा फार्मूला लगाया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये है कि इस डेट से मतलब 1 जनवरी से बड़ा होना चाहिए और टुडे से छोटा या बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ठीक है, यही है इफ़ की कंडीशन। अब उसके बाद समय, तो मुझे क्या करना है, बस इसी कंडीशन को हैंडल करना है और जहाँ जहाँ मैंने वो दिया है उसको मुझे रेंज दे देनी है बस। जैसे इसी फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और इसी में चेंज कर देता हूँ, ये था, इसके आगे सम में कैच करेगा ये फॉर्मूला और यहाँ A3 से लेकर फुल रेंज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ जहाँ A3 लिया है A34, ये भी यहाँ तक आ जाएगा A34 और यहाँ पे भी C3 जहाँ रिजल्ट आ रहा है वहाँ C34 ये आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया सेम, ठीक है ना, एक फार्मूला में। हालांकि मैं एंड की कंडीशन लगा के दोनों को चेक करा सकता था पर एंड की कंडीशन में चलेगा ही नहीं ये फार्मूला, थोड़ा सिंपल लॉजिक पे चलता है कि इफ ये नहीं तो ये एंड में कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एंड का फार्मूला अकेले ही कैच कर रहा है पूरे को, एंड का फार्मूला पूरी रेंज हैंडल करता है, चाहे मल्टीपल पैरामीटर दो तो हैंडल कर लेगा, तो बाहर देगा ही नहीं इफ को, तो इसलिए अकेला इफ लगाया है ना, क्योंकि उसके पैरामीटर कितनी भी कंडीशन दे सकते हो तो ये कंडीशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो एंड को मिल गई तो एंड समेट लेगा अपने पास ही, है ना। इफ क्या है, इफ मल्टीपल में चला जाएगा तो इसलिए इफ लगा। फॉर्मूला कितनी बार भी आप उसको ले सकते हो वैल्यू, हाँ तो मतलब ऐसे ही कोई भी बनाए जा सकते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला एरे में करने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, कितने भी बड़े बड़े फार्मूला लगा सकते हो आप, है ना। अभी तो मैंने सिंगल सेल तक ही इनका इम्पैक्ट दिखाया कि सिंगल सेल पे ही कोई भी कैलकुलेशन करके लाते हैं। अब दिखाता हूँ जैसे ऑटोमेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे को एक वो मिला कहीं से, पहले मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। जैसे ये है, अब मुझे एक एक कॉलम में डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 मुझे एक एक सेल में इसकी वैल्यू डालनी है एक एक, ठीक है। तो एक एक वैल्यू के लिए क्या करते हैं, मिड का फॉर्मूला लगाओगे, टेक्स्ट स्टार्ट नम कितने कैरेक्टर लेने हैं, ठीक है, ये आ रहा है। ऐसे ही हर एक का चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इकट्ठा लगा के F2 दबाया और यही नंबर ऑफ इसी को ही बार बार चेंज करना है ना स्टार्टिंग नंबर को, तो इसकी जगह मैं कर दूंगा 1:2:3:4:5:6:7 करली ब्रेसिस में यहाँ दे दिया ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया, है ना। इसका एक शॉर्टकट है कि अगर आपको किसी रेंज में ही देना है तो जैसे मैंने क्या किया था 40 तक ले लिया था कि मैक्सिमम और भी तो कैरेक्टर हो सकते थे ना, मैंने क्या किया था फुल फॉर्मूला को, अब 40 तक लिखना तो मुश्किल है ना, ये 10 7 चलो 20 मान लेते हैं, 20 होंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दे सकते हो, रो और कॉलम का फॉर्मूला है ना उससे जनरेट करा देते हैं, तो यहाँ पे कॉलम में स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो कॉलम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 1 2 1 से लेकर मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है, वो सिलेक्शन क्या कर रहा है उसे भूल जाओ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर स्प्लिट हो गया। अब ये देखो फार्मूला इवेल्युएट करोगे, हालांकि यहाँ नहीं दिखाएगा कि इवेल्युएट क्या कर रहा है क्योंकि मिड ने स्प्लिट कर दिया है अलग अलग सेल पर, वहाँ पे ये आपको दिखाएगा नहीं
कि कॉलम और उसने क्या किया, पर किसी और फॉर्मूला के अंदर डालोगे तो ये बताएगा कि इसने क्या किया। ठीक है, जैसे इसी की जगह अगर मैं ये फॉर्मूला काउंट ए भी हैंडल कर लेता है, ठीक है, हाँ काउंट ए भी हैंडल कर लेता है क्योंकि ए भी रेंज लेता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अच्छा इक्वल टू लगाए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, ठीक तो एवेल्युएट फार्मूला करते हैं, यहाँ ये बता पाएगा कि हमें क्या हुआ क्या है। ये देखो ये नंबर जनरेट हो गए, कॉलम से बहुत ज़्यादा ही नंबर जनरेट हो गए, रो 1 से 20, रो की जगह अगर मैं कॉलम लगा दूँ तो रो लगा दूँ तो नहीं लेगा, कॉलम से ही चलेगा, तो मतलब ये मल्टीपल ही जनरेट हो जाएगा। 16384 कॉलम ले रहा है, 1 to 20, टोटल कितनी होती है, रो कितनी होती है, 500, 10 लाख रो होती हैं। 10 लाख हाँ, और कॉलम कॉलम होते हैं 16384, बढ़ गई क्या? इतने ही होते हैं, 2007 में तो कम भी जाएगा, 2007 में कम भी है ना, 10 लाख 65 हज़ार थी, दस नहीं लाख नहीं 2007 में 10 लाख थी, 10 लाख थी, 10 लाख 48 हज़ार कुछ होता है। रो हाँ रो 2003 में थी कम, 65,536 या 636 के आसपास। तो ठीक है, तो बेसिकली इतना जान लो, कॉलम में स्प्लिट करने के लिए कॉलम का यूज़ करते हैं, रो में स्प्लिट करने के लिए रो का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है कि ताकि लिखना ना पड़े। तो ऐसे ऑटोमेशन में जैसे, ठीक है, इसका मैंने यूज़ किया, अपर में चाहिए ये, तो इसी फार्मूला को अपर में लगा दो कि कुछ भी लिखे अपर में आना चाहिए। तो अपर में मैं किसको यूज करूंगा, ये A3 जो आ रहा है, ठीक है, बेस वाला जो निकल रहा है ना, उसी को अपर में कर लूंगा। ठीक है, तो किसी भी उसमें लिखो तो अपर में हो जाएगा, पूरे को अपर में नहीं करूंगा, नहीं तो एक ही सेल में डिलीवर कर देगा वो। तो उसको लगाने की जगह ध्यान रखनी है कि मिड का क्या बिहेवियर है, उसका क्या है, क्योंकि मिड के बाहर लगाओगे तो मिड के मल्टीपल हो जाएंगे, वो तो उसके अंदर दे देगा। ठीक है, अब इसको मैंने यूज कहाँ किया था, मैं ओमैक्स में था, मतलब एकदम उसमें, तो एक बैंक का वो बनता था उधर, बैंक का फॉर्मेट, NEFT का। तो अब क्या है कि फॉर्मेट तो बन जाएगा, पर एंट्री मुश्किल थी ना इसमें, जब एंट्री ऐसे करनी हो तो फिर काहे का फॉर्मेट। मैंने क्या किया, ऐसे बना के दे दिया फॉर्मेट, हर एक में वही फार्मूला लगा दिया। ठीक है ना, और इनका डाटा फॉर्म यहाँ से, मैंने कहा आप यहाँ पे एंट्री कर दो वहाँ फट जाएगा, यहाँ से लिंक कर दिया। तो देखो एक ही फार्मूला ने आपका, ये मिड वाले ने पूरा का पूरा इसी से बनाया है ना। डेट वाले में था क्योंकि डेट वाले में इनकी डॉट करके लिखने की आदत है ना, तो मैंने उसके लिए क्या करवाया, सब्स्टिट्यूट कराया डॉट को, सब्स्टिट्यूट डॉट को ब्लैंक से, तो डॉट हटा दिए, 1 से 8 तक उसने डेट स्प्लिट कर दी थी। सब्स्टिट्यूट से जो डेट मिली उसे, यानी 20/3/2013 इस तरह से, उसने उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है ना, ये मैंने बनाया था,
और इसको हम ऐसा भी लिंक कर सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट बना के दे दो, क्योंकि नाम और लिंक कैसे किया था आपने? लिंक मैंने ये रहा ना कॉलम, ये डेटा फॉर्म डी थ्री उसी रेंज से ही उठा रहा हूँ ना मैं यहाँ से। डी थ्री क्या हो गया? ये हो गया है ना। तो मतलब और यहाँ की बजाय कोई लिस्ट भी डाली जा सकती थी कि एक एक करके लिस्ट भी चला सके कंट्रोल के मुताबिक, वो भी कर सकता था मैं मैक्रो की मदद से ऐसा बना के, मैक्रो भी नहीं लगे कंट्रोल से बन जाता, बस यहाँ से बटन दे देता है वो दबाते रहते हैं यहाँ चेंज होता है, वो प्रिंट निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये है एरे फार्मूला। थोड़ा सा अभी आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, एरे में थोड़ा टाइम लगता है।